इस युद्ध के दौरान सुरंगों को लेकर आपने बड़ी खबरें देखी हैं, लेकिन अब आपको हमास के पाताल लोक की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो शायद आज से पहले आपने टीवी पर कभी नहीं देखी होगी। ये भी बताएंगे, दिखाएंगे धरती के भीतर कैसे हमास साजिश की गलियां बनाता रहा है। अब इससे पहले आप देख चुके हैं कि अल शिफा हॉस्पिटल, धार्मिक स्थल हो या स्कूल, इन सबके नीचे हमास का पूरा टनल नेटवर्क एक्सपोज कर दिया गया है। लेकिन आज जो हम आपको दिखाएंगे वो हमास की साजिश में शामिल वो घर हैं जिसके नीचे हमास के ये सीक्रेट ठिकाने हैं। अब ये तस्वीर आपके सामने हमास की सुरंग की, घर के नीचे से गुजरती हमास की ये सुरंगें, अल शिफा हॉस्पिटल के पास ये सुरंग और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। घर के अंदर ही एक कमरे में बनी हमास की सुरंग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आईडीएफ की टीम पहुंची और यहां पहुंचते ही सब चौंक गए, हैरान रह गए। ये जमीन का वो स्लैब है, यानी एक कमरे में आप शामिल हुए, नीचे आपको जमीन दिखेगी, लेकिन उसी से एक स्लैब को अगर आप हटाएंगे तो सुरंग में जाने का ये रास्ता है। हमास की सुरंग की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर, घर के नीचे से गुजरती हमास की सुरंग तो आपने देखी है, लेकिन अब यहां देखिए आईडीएफ घर के भीतर एक कमरे में बनी हमास की सुरंग तक पहुंची तो काफी हैरान रह गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब घर के नीचे से गुजरती हमास की सुरंगों की सामने आई हैं। ये सुरंग का सबसे नया वीडियो है, जहां देखिए किस तरीके से इस सुरंग के जरिए आईडीएफ के जवान जब आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे तो अलग अलग जगह यानी अलग अलग कमरों का वो रास्ता दिखा जहां पर हथियारों के जखीरा बरामद किया गया। घर के नीचे एक कमरे के नीचे ही ये एक और सुरंग का रास्ता दिखा। सुरंग का ये सबसे नया वीडियो सामने आया है, घर के नीचे से गुजरते हुए दूसरी सुरंग की तरफ ये रास्ते नजर आए हैं। और ये अभी तक भी हमने देखा है किस तरीके से राजेश सर बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि ना सिर्फ दरवाजों पर विस्फोटक थे बल्कि बच्चों का कमरा, बच्चों के कमरे में मौजूद बेड के अंदर भी हथियार बरामद कर लिए गए। देखिए हमास ने तो पहले ही तय कर लिया था कि वो सारे गाजा के लोगों को अपना ह्यूमन शील्ड बनाएंगे, और जब उन्होंने 7 अक्टूबर को जो अटैक किया उनको पता था कि इसराइल से रिस्पांस होगा, क्योंकि उन्होंने अटैक इसी लिए किया था कि रिस्पांस हो, तो उनको पता था कि जब इसराइल की सेना आएगी तो वो उनसे एक सामने की टक्कर नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने तो पहले ही मन बना लिया था कि वो इन सबको अपने सामने रखेंगे। तो इसी के तहत आप देखेंगे कि जहां जहां उनको मौका मिला, जहां जहां उनको जगह मिली, वो हर जगह पे अपने हथियार, अपने कम्युनिकेशन बूबी ट्रैप्स, हर चीजें उन्होंने हर तरह की चीजें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, और यही जो है इसराइल के फेवर में जाता है, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज जो हैं वियना कन्वेंशन के मुताबिक ये वॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। तो इसके तहत जो है आप जैसे आप अस्पताल को शिविर नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल उन्होंने भी वॉर क्राइम्स किए हैं, तो किस मुंह से इसराइल को बताएंगे कि आपने वॉर क्राइम्स किए हैं। इसीलिए इसराइल लगातार ये तस्वीरें जारी कर दुनिया के सामने हमास की उस हकीकत को रखने की कोशिश कर रहा है।